Assalamualaikum guys, welcome to Combs and Styles. Hope you all are doing well. So आज हम कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाएंगे, रोज हम हेयर स्टाइल बनाते हैं. So today I'm going to share some हेयर स्टाइलिंग टिप्स विथ यू. जो लोग हेयर स्टाइल की टेक्निक को सीखना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें. For any questions and suggestions, do comment below and support us. उससे पहले आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें Combs and Styles के. And so let's get started. टिप नंबर वन, प्रेप योर हेयर्स विद शैम्पू एंड कंडीशनर. आपके बाल बिल्कुल नीट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, ताकि आपके हेयर स्टाइल में शाइन आए. एंड अगर आप एक दिन पहले भी शैम्पू करेंगे तो उससे भी आपके बाल सेट हो जाएंगे. जितने बाल ज़्यादा ड्राई होंगे उतना आपका हेयर स्टाइल अच्छा बनेगा और फ्रिज भी कंट्रोल होगा एंड हेयर स्टाइल भी कंट्रोल होगा. नाउ टिप नंबर टू, यूजिंग द राइट हेयर स्टाइलिंग टूल. आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हेयर स्टाइलिंग टूल किस लिए होता है और कौन सा टूल आपको कब यूज़ करना है. इसका रोल भी बहुत ज़रूरी है हेयर स्टाइलिंग में. टिप नंबर थ्री, डिटेंगल योर हेयर. बिफोर स्टार्टिंग एनी हेयर स्टाइल, आप सबसे पहले अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम कर लें, हेयर्स में कोई भी टेंगल ना रहे. टिप नंबर फोर, हीट प्रोटेक्टर. मेक श्योर डैट आप हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करें हेयर स्टाइलिंग शुरू होने से पहले, ताकि आपके बाल जो हैं वो डैमेज ना हो. क्योंकि ये जो हम हेयर स्प्रेस करते हैं, हम कर्ल्स करते हैं, स्ट्रेटनर करते हैं, इन सब चीज़ों से हमारे बाल जो हैं डैमेज हो जाते हैं. हीट मिलती है बालों को, जिसकी वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं. तो हमारा हीट प्रोटेक्टर यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है. टिप नंबर फाइव, चूज़ द राइट हेयर स्टाइल. हेयर स्टाइल को अच्छे से चूज़ करें, सही से चूज़ करें. मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि आपके फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा. किसी का फेस राउंड शेप होता है, किसी का ओवल शेप होता है, तो सबके फेस के शेप्स डिफरेंट होते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग आप हेयर स्टाइल चूज़ करें. एंड अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं. ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. टिप नंबर सिक्स, डिवाइडिंग योर हेयर्स. अपने बालों को डिवाइड कर लें, फ्रंट के अलग कर लें, क्राउन एरिया पे काम करें, बैक कॉम एरिया एक्सेट्रा. आपको जो भी काम करना है क्राउन एरिया पे आप वो करें और उसके बाद आप फ्रंट के हेयर्स पे आएं. बी क्रिएटिव, अपने हेयर स्टाइल को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करें. टिप नंबर सेवन, नीट योर हेयर्स. नीटनेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सारा हेयर स्टाइल का लुक नीटनेस से ही नज़र आता है. सो बालों को नीट करते रहा करें. एंड जो फ्लाइज निकलते हैं हेयर स्टाइल में, तो उसको भी आप नीट करते रहा करें. हेयर वैक्स से या कॉम्ब्स से आप उसको नीट कर सकते हैं. नाउ टिप नंबर एट, यूजिंग अ हेयर कलर स्प्रे और पाउडर. किसी के लिए किसी को वॉल्यूम क्रिएट करना है बालों में अपने, तो उसके लिए आप पाउडर यूज़ करें. वॉल्यूमाइजिंग पाउडर आता है, वो यूज़ कर सकते हैं. एंड हेयर कलर स्प्रे इसलिए यूज़ किया जाता है कि किसी के गंजपन होता है, जैसे कि यहाँ साइड से भी कम होते हैं, साइड यहाँ इधर से भी कम होते हैं, पीछे से भी कम होते हैं. सो आप उधर हेयर कलर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं. टिप नंबर नाइन, फिनिश योर हेयर स्टाइल विथ एक्सेसरीज. आपका हेयर स्टाइल जब फिनिश हो जाए तो आप हेयर एक्सेसरीज यूज़ करें. यूँ समझें, हेयर एक्सेसरीज लगाने से हेयर स्टाइल में जान आ जाती है. एंड जो भी आपने हेयर स्टाइल बनाया होता है, वो हेयर स्टाइल आपका इन्हेंस हो जाता है. टिप नंबर टेन, फिनिश योर हेयर स्टाइल विद सेटिंग स्प्रे. इट मीन्स कि आपने जब ये आपका पूरा हेयर स्टाइल बन गया, तो आप अपने हेयर स्टाइल को सेटिंग स्प्रे के साथ सेट करें, ताकि आपका हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्ट रहे, हिले नहीं, स्टे भी करे. जैसे आपने कर्ल्स किया है या आपने कुछ भी किया है अपने बालों में, तो आपका हेयर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है लास्ट में. तो ये थी मेरी हेयर स्टाइलिंग की टिप्स. आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होंगी एंड इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा. सो और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसका कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.